तो अगला सवाल है अपने पास, 4 माइक्रो कूलाम के अनंत आवेश एक्स अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड डॉट डॉट सो ऑन पर रखे हुए हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये बना लेते हैं अपन एक्स अक्ष, ठीक है। इस एक्स अक्ष के ऊपर कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, 1 मीटर पर, चलो ये ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु, ये अपन में ले लेते हैं 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, ये 2 के बराबर हो गया, तो 2 के बराबर और ले लीजिए, ये लीजिए 4 मीटर एंड देन 8 मीटर, यानी इतनी दूरी पर, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, लगभग 8 मीटर यहाँ हो गया, और इस तरह से अभी चलता रह जाओ। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे, ये मूल बिंदु है, इस पर 1 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, और बाकी सब जगह क्या रखे हुए हैं, 4 माइक्रो कूलाम, ये भी 4 माइक्रो कूलाम, ये भी 4 माइक्रो कूलाम, और ये भी 4 माइक्रो कूलाम, और ऐसे आगे भी रखे हुए हैं। तो इस आवेश पर अपने को बल निकालना है। अब सबसे पहली बात नोट करने वाली तो ये है कि 1 कूलाम का आवेश कैसा है, पॉजिटिव है, और ये बाकी सारे आवेश भी पॉजिटिव हैं, तो कौन सा बल लगेगा इसमें, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इसकी वजह से इधर की तरफ बल लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब इस आवेश पर बल निकालें तो इसकी वजह से कैसे लगेगा, इधर की तरफ, यानी माइनस आई कैप डायरेक्शन में, इधर माइनस आई कैप है और इधर प्लस आई कैप है, इसकी वजह से भी इधर ही लगेगा, यानी सब जो बलों की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, माइनस आई कैप। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं, देखें सबसे पहले अपन देखते हैं 1 कूलाम, 1 कूलाम पर पहले वाले 1 मीटर पर जो आवेश रखा हुआ उसकी वजह से, अपन इनका नाम रख देते हैं, चलो ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इस तरह से ये डी हो गया, या आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ओपर है, तो सबसे पहले ओपर किसकी वजह से, 1 के कारण, तो एफ 01 एंड टोटल एफ बराबर एफ ओपर पहले आवेश के कारण प्लस एफ 02 प्लस एफ 04, 3 नहीं आएगा इसमें, 4 मीटर पर रखा हुआ ना, इसलिए 4 नाम रख दिया इसमें, फिर एफ 08 और डॉट 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 कर देते, इन सब के ऊपर वेक्टर आ जाएगा। अब इनके मान रख दे, सबसे पहले एफ 01, तो क्यू 1 क्या है हमारे पास, के क्यू 1 क्यू 2, के क्यू 1 है अपने पास 1 कूलाम, क्यू 2 का मान है 4 माइक्रो, यानी 10^-6, और डिस्टेंस बीच की 1 मीटर का स्क्वायर, और के का मान भी रख दो चाहो तो, कितना होता है 9×10^9। फिर दूसरे पे आ जाओ, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, माइनस आई कैप प्लस, दूसरे वाले में क्या चेंज आएगा, ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा, नीचे केवल इसकी डिस्टेंस में चेंज आएगा, 9×10^9, 1 4×10^-6 अपॉन, अब दूसरे वाले में डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस आई कैप हो गया। ऐसे ही अपन तीसरे वाले में देख लेंगे, अब यहाँ पे तीसरे वाले में क्या चेंज आएगा, 9×10^9, 1 4×10^-6 अपॉन 4 का स्क्वायर, माइनस आई कैप, और लास्ट वाले में अपन देखें 9×10^9, 1 4×10^-6 अपॉन 8 का स्क्वायर, माइनस आई कैप, और डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें,
इसमें कॉमन चीज क्या है उसको बाहर ले लेते हैं। देखिए तो 9 × 10⁻¹ वन का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 4 × 10⁻¹ ये बाहर आ गया, और आई कैप को उधर ले लेंगे अपन बाहर, तो यहाँ अंदर क्या बचा अपने पास, यहाँ बचा 1/1। सेकंड इसमें क्या बचेगा, 1/2 का स्क्वायर, फिर इसमें क्या बचेगा अपने 1/4 का स्क्वायर, ये इसको भी 1 का स्क्वायर ले लो, 1/8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस आई कैप। अब ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन गई, इसको जीपी बोलते हैं, जिसमें इनफाइनाइट पद होते हैं और इसमें जो वैल्यूज आती हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट सीरीज का, इनफाइनाइट जीपी का कैलकुलेट करने का होता है a/1 - r, जहाँ पे a पहला पद है और r इसका गुणांक होता है। तो यहाँ पे किस गुणांक से आगे बढ़ रहा है, जैसे ये हो गया अपने पास 4, ये हो गया अपने पास 16, ये हो गया अपने पास 864, तो इस तरह से 4 से मल्टीप्लाइड हो रहा है। अगर इसको सॉल्व करें अपन तो 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 9 × 36 हो गए 36 × 10⁻¹, यहाँ पे कितना बचा, 9 में से -6 3 बचेगा, यहाँ पे 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 64 डॉट डॉट डॉट। तो कितने गुणांक बढ़ रहा है इसमें, 1/4 से गुणा करने पर नेक्स्ट पद आ रहा है इसमें, तो r का मान, a का मान तो हो गया 1 और r का मान हो गया इसमें 1/4। तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए इसमें, 36 × 10³, a क्या अपने पास 1 और 1 - r 1/4 हो गया और ये माइनस आई कैप हो गया। आगे देखते हैं, देखिए इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अपने पास 36 × 10³। यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/4 - 1/4 माइनस आई कैप, तो ये 36 × 10³, ये 4 पलट के ऊपर आ जाएगा, 4/3 माइनस आई कैप। 3 से इसको कट कर देंगे तो 12 × 36 और 12 × 48 हो गए, 48 × 10³। तो यहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ खिसकाना होता है हमेशा, 4.8 × 10⁴ न्यूटन, और क्या डायरेक्शन आएगी इसकी, माइनस आएगी, ये इसका आंसर।